खरगोन जिले में भू माफियाओं के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में मोहन टाकिज क्षेत्र में रोड चौड़ीकरण को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए, जिससे हड़कंप मच गया और दुकान के बाहर लोगों ने पंपलेट चस्पा कर दिए कि साहब हम अतिक्रमणकारी नहीं है। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि वर्षों से दुकानें चला रहे हैं और उनके पास रजिस्ट्री भी है। वहीं SDM सत्येंद्र सिंह चौहान ने आमजन से अपील की है कि भू माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इसमें आमजन को परेशान होने की जरूरत नहीं। वहीं नोटिस की बात पर उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन अनुरूप पूरी स्थिति का मूल्यांकन करके अतिक्रमण हटाएंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हम ये सूचना लगाकर नोटिस लगाकर शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं इस माध्यम से कि वास्तव में हमने अतिक्रमण नहीं किया है। जहाँ जहाँ हमारी सबके दुकानदारों की निजी संपत्तियाँ हैं, उनके स्थाई उनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, नामांतरण हैं और निर्माण की अनुमतियाँ हैं, तो नोटिस दिए कि अतिक्रमण हटा लिए जाएँ, तो हमको उसमें दिक्कत नहीं है कि हमने अतिक्रमण किया नहीं है, इसमें साहब हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं। दूसरा उसमें एक उल्लेखित है कि शासन की विकास योजना के अंतर्गत जो है 9 मीटर का कमिटी सेंटर सभी है, तो सभी लोग परेशान हैं, कहाँ से ध्यान आ रहे हैं, स्पष्टता नहीं आ रही है। सबके द्वारा किस तरीके से सीमांकन किया गया, ऐसा कोई सीमांकन नहीं किया गया कि यहाँ से यहाँ तक, बस एक लिखा गया है कि किसी व्यापारी अपने दुकान का जो निर्धारण स्वयं को दुकानदार को ऐसा लगता है कि मेरा ये भाग अतिक्रमण में आ रहा है, उन्होंने स्वेच्छा से तोड़ दिया, वो अच्छी पहल है और यहाँ जो अतिक्रमण को हटा दिया उन्होंने उस हिसाब से। अगर अगर नगर पालिका सीमांकन कर देती है, मतलब सीमांकन कर लेता है तो अपने हिसाब से आपको बता देंगे। देखिए, शासन की योजना का विरोध कोई नहीं कर रहा, सब पशो के इसमें है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे किया जाए। 3 मंजिला भवन तोड़ना है और 3 दिन का समय, ये पर्याप्त नहीं है और सबको मालूम पड़ जाए कि कैसे क्या करना है, समय की मांग करें तो समय की एक मांग हो, सीमांकन हो जाए और निश्चितता हो जाए कि भाई कितना तोड़ना है, उसके लिए क्या अनुकंपा में देने, मतलब ये माना जाए कि आदमी ने अपने गाड़ी पसीने की कमाई से दुकानें मकान खरीदा के मुआवजा, तो मुआवजे की भी बात हो जाए। मैं शुभ नाम आपका? मैं मनीष निवाड़े। दूसरा ये कि सभी जगह नोटिस है, दुकानदार हैं, इस क्षेत्र में 3 मंदिर आते हैं। मैं वस्तुतः एक उसी ट्रस्ट का सचिव हूँ और मंदिरों में इतनी जगह बच रही है कि मूर्तियों को कहाँ रखा जाए। हमें शासन की योजना का विरोध नहीं है, मंदिर की जगह है, हम देने को तैयार हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस ट्रस्ट का अध्यक्ष कलेक्टर महोदय भी होते हैं, तो इन मूर्तियों को कहाँ रखी जाए, जहाँ वहाँ जाकर हम अपनी उपासना कर सकें। हाँ, स्थापित कर दिए जाए, जगह दे दी जाए, तो हमको शासन को जगह देने से कोई मना ही नहीं। किसी भी व्यापारी का ये नहीं है कि हम जगह नहीं देना चाहते, बस उचित निराकरण हो। ये अभी आपको नोटिस मिले हैं, कितने मीटर के मिले, ऐसा कुछ कितने मीटर के नोटिस मिले आप? ये नोटिस में हमको सूचना मिली है कि मध्य रोड के मध्य से 9 मीटर परिधि जो है वो दी गई है कि 9 मीटर छोड़ा जाए। अब क्षेत्र में 9 मीटर में तो लोगों के पूरे निवास और व्यापार खत्म हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी जानकारी लगी है। पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि शासन की जो मंशा है वो भू माफियाओं के खिलाफ है। ये आम नागरिक को, आम दुकानदार को परेशान करने की कतई नियत नहीं है, न शासन की है न प्रशासन की है। और मैंने पिछले दिनों नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि ये जो मस्जिद तालाब चौक है वहाँ से लेके तार घर तक, जो वहाँ रोड काफ़ी आपने देखा होगा कि रोड के आगे उन्होंने अतिक्रमण किए हैं, तो वो सिर्फ हमने चिन्हित करने के लिए बोला था, जो मुश्किल से 50-60 उसमें दुकानें आती हैं। संज्ञान में आया है और मैंने CMO को भी बोला है, वर्मा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको भी बोला है कि लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। हमने जो गुंडा लिस्ट जो SP सर के तरफ से हमें मिला है उसकी हमने चिन्हित कर लिया है और उसमें कुछ लोगों को हमने नोटिस भी दे दिया है, तो आपको पता चलेगा। इसी तरह से हम लोगों ने और भी एरिया चिन्हित किए हैं जो हमारी सरकारी नजूल की जगह है, उसमें तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। काफ़ी कीमती हमारी करोड़ों रुपए की ज़मीन है जिसको
लोगों ने कब्जा किया हुआ। तो इस अभियान का उद्देश्य ये है भू माफियाओं के खिलाफ आम आदमी को परेशान नहीं करना है। मुझे ये भी सुनने में आया कि मास्टर प्लान में जो रोड की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ा दी गई है, तो वो अभी हमारे प्लान में नहीं है कि रोड मास्टर प्लान के हिसाब से हम दुकानों को तोड़ें और ऐसा कुछ करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे शहर के दुकानदारों को और ऐसे आम नागरिकों को जिन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरा अतिक्रमण नहीं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस अभियान को लेकर दहशत में ना आए और जो भी नोटिस अभी आपको अगर नगर पालिका ने दिया है वो सब हमारी नॉलेज में है और हम लोग उस पर विचार करेंगे, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई होगी। हमने केवल वही कार्रवाई करूंगा जो हमारे चिन्हित है और भूमाफियाओं के विरुद्ध है। Subscribe now to most exciting channel ever.